101 by इस दुनिया में अगर आप जिंदा हैं तो आपको समस्या तो होगी ही लेकिन अगर आपके पास अलादीन का चिन्ह जाए तो आप उसे अपनी कौन सी खावाश पूरी करने के लिए कहेंगे समझदारी इसमें होगी कि आप उससे मांगे कि वो आपकी दस हजार ख्वाहिशे पूरी कर दे आप उससे एक ख्वाहिश में दस हजार ख्वाहिश पूरी करने के लिए कह दीजिए ये किताब आपके लिए कुछ ऐसे ही काम करती है ये आपकी एक समस्या नहीं सुलझाती बल्कि आपको वो ताकत देती है जिससे आप दस हजार तरह की समस्याएं सुलझा सकते हैं इस किताब में बताए गए तरीकों को अपनाकर आप किसी भी तरह की समस्या को सुलझा सकते हैं ये अलादीन के जिन ऐसी ख्वाहिशें पूरी कराने जितना आसान तो नहीं होगा लेकिन अगर आप इस किताब में बताए गए तरीकों को अपना ले तो आपको जिन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसे पढ़कर आप सीखेंगे किस तरह से आप अपनी समस्या के पीछे की वजह को जान सकते हैं किस तरह से आपको अपनी परेशानियों से निकलने के लिए प्लान बनाना चाहिए सिर्फ प्लान बनाना ही काफी क्यों नहीं है पहला सबक समस्या को सुलझाने का काम समस्या के अंदर जाने से शुरू होता है हम सभी को अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ समस्या होती है कभी कभी हमारी समस्या हमें इतनी बड़ी लगने लगती है कि हम उनसे लड़ नहीं पाते लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक समस्या की वजह बहुत बड़ी हो अगर मशीन का एक नट भी ढीला होता है तो मशीन अच्छे से काम नहीं कर पाती यहाँ पर समस्या सिर्फ ऊपर से देखने में बड़ी लग रही है तो इसके लिए आपको खुद से ये सवाल पूछना होगा कि आपकी असल में समस्या क्या है एग्जाम्पल के लिए अगर आपका बिजनेस खराब चल रहा है तो आप खुद से पूछिए कि समस्या कहाँ पर आ रही है क्या आपको ज्यादा ग्राहक नहीं मिल रहे हैं क्या आपके कर्मचारी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं क्या आपके सिर पर बहुत ज्यादा काम पड़ा जा रहा है इस तरह से आपको ये पता लगेगा कि आपको किस चीज पर अपना ध्यान ज्यादा लगाना चाहिए अगर आपको ग्राहक ज्यादा नहीं मिल रहे हैं तो या तो आपकी मार्केटिंग खराब है या फिर आपके प्रोडक्ट लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं ऐसे में आपको अपने प्रोडक्ट पर या फिर मार्केटिंग पर काम करना होगा एक बार आपको ये भी पता लग जाए तो आपको उसके भी अंदर तक जाकर उसकी वजह पता करनी होगी अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो उसका कौन सा भाग अच्छा नहीं लग रहा है अगर मार्केटिंग खराब है तो उसमें कौन सा भाग जहां पर समस्या अच्छी नहीं आ रही है क्या ज्यादा लोगों को एड नहीं दिखाई गई? क्या आपकी एड ताकतवर नहीं है इस तरह से आप समस्या के पीछे छिपी असल समस्या को पहचान सकते हैं दूसरा सबक अपनी समस्या के पीछे की वजह को जानने के लिए आप खुद से तरह तरह के सवाल पूछ सकते हैं अब आपको पता लग गया है कि आपकी असल समस्या क्या है इसके पीछे की वजह जानने के लिए ये दो स्टेप का तरीका अपना सकते हैं सबसे पहले तो ये पता लगाइए कि आपकी समस्या की कौन कौन सी वजह हो सकती है उन सारी वजहों की एक लिस्ट बना लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक बैंड पार्टी है तो आप अपने बहुत से शो करते हैं लेकिन उसमें बहुत कम लोग आते हैं तो खुद से पूछिए की इसकी वजह क्या हो सकती है इसकी दो वजह हो सकती है आपकी शो के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं लोगों को पॉप गाने नहीं पसंद है इसके बाद आप ये पता करने की कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन सी बात सच है इसके लिए आप हाँ या नहीं पेड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए आप खुद से पूछिए क्या लोगों को आपके शो के बारे में पता है अगर जवाब नहीं में मिले तो समझ जाइए कि यही समस्या की वजह है लेकिन अगर जवाब हाँ में मिले तो फिर से दो सवाल पूछिए अगर लोगों को पता है क्या लोग शो देखने आए थे अगर वे नहीं आए थे तो क्या उन्हें पॉप गाने पसंद नहीं अगर नहीं पसंद है तो उन्हें क्या पसंद है ठीक किसी तरह से आपके एक के बाद एक सवाल पूछते जाइए जब तक आपको वजह पता न लग जाए लेकिन अगर आपको जवाब ये मिले कि उन्हें पॉप गाने पसंद है तो कुछ दूसरे तरह के सवाल पूछिए और अंदर तक जाकर वजह पता करने की कोशिश कीजिए तीसरा सबक जब आपको समस्या की असली वजह पता लग जाए तब आप उसे सुलझाने की कोशिश कीजिए आपको पता लग गया है कि आपकी समस्या की वजह क्या है अब वक्त आ गया है कि अलग अलग तरीके अपनाकर उनसे निकलने की प्लानिंग करें अब आप बाहर जाकर कुछ लोगों का इंटरव्यू लीजिए और उनसे पूछिए कि क्या उन्हें आपके शो के बारे में पता है क्या उन्हें पॉप गाने पसंद है क्या उन्हें आपके शो के गाने अच्छे लगते हैं मान लीजिए कि इस सर्वे से आपको पता लगता है कि ज्यादा लोगों को आपके शो के बारे में नहीं पता जिन्हें पता है उन्हें आपके गाने पसंद नहीं है इसका मतलब वे दोनों ही वजहों से आपका शो देखने नहीं आ रहे हैं अब आप एक कागज लीजिए और उसमें दो कॉलम बनाइए एक कॉलम में ये लिखिए कि किस तरह से आप लोगों को अपने शो के बारे में बता सकते हैं और दूसरे कॉलम में लिखिए कि किस तरह से आप अपने शो को बेहतर बना सकते हैं आप जितना हो सके उतने अच्छे आइडियाज लिखिए और उनमें सबसे अच्छे आइडिया को चुन लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को अपने शो के बारे में बताने के लिए एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं साथ ही आप अपने शो को बेहतर बनाने के लिए अपनी टीम के साथ हर रोज बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं आप अपने कुछ दोस्तों को या अपने पड़ोसियों को अपना शो दिखाकर उनसे ये राय ले सकते हैं कि उन्हें आपका शो कैसा लगा आप उनसे फीडबैक लेकर खुद में सुधार ला सकते हैं इस तरह से आपकी दोनों समस्याएं सुलझ जाएंगी। चौथा सबक बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आपको उन्हें छोटे भागों में तोड़ना होगा जब हम छोटे होते हैं तब हम बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन जब हमें पता लगता है कि उन सपनों को पूरा करने में हमें कितनी मेहनत करनी होगी तो हम डर जाते हैं और उन पर काम करना बंद कर देते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो आपको उसे छोटे भागों में तोड़ना होगा एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बनना है इसके लिए आपके पास एक कंप्यूटर भी नहीं है तो आपका छोटा गोल होगा एक कंप्यूटर खरीदना ताकि आप प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर सकें तो आप खुद को एक समय दे दीजिए कि आप चार महीने के अंदर चालीस हजार का एक कंप्यूटर खरीदेंगे इसके बाद आप ये देखिए कि इसके लिए आपको एक महीने में कितना काम करना होगा इसके लिए आपको हर महीने दस हजार बचाने होंगे लेकिन आप सिर्फ एक महीने में सिर्फ सात हजार ही बचा पाते हैं तो इसके लिए आपको हर महीने सिर्फ तीन हजार और बचाने होंगे सिर्फ इतना काम करके आप अपने छोटे गोल हासिल कर सकते हैं इस तरह से जब आपको खाना बनाने की रेसिपी पता होती है तो आपको पता होता है कि आपको क्या काम करना है अगर रेसिपी में लिखा है कि दो चम्मच चीनी डालिए तो आप ये सोचकर खुद को परेशान मत कीजिए कि आप उसे कितनी देर तक पकाएंगे फिलहाल के लिए सिर्फ दो चम्मच चीनी डालिए इसके बाद अगले स्टेप पर जाइए पांचवा सबक अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए अलग अलग समाधान खोजिए और सबसे अच्छे समाधान को अपनाइए जब आपको ये पता लग जाए कि आपको क्या करना है तो आप अलग अलग तरह के समाधान की लिस्ट बनाइए ताकि आप अपनी मंजिल को दिए गए समय पर हासिल कर सके अगर आपको चार महीने के अंदर एक कंप्यूटर खरीदना है और उसके लिए आपको एक महीने में तीन हजार ज्यादा बचाने हैं तो आप इसके लिए अलग अलग समाधान लिखिए एग्जाम्पल के लिए आपके समाधान हो सकते हैं फालतू तो खर्चों को कम करो अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की मांग करो लॉटरी टिकट खरीदो म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओ घर के फालतू तो सामान को बेचो और पार्ट टाइम में काम करना शुरू करो अब आप हाँ नहीं पेड़ का इस्तेमाल करके ये पता कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा तरीका आपके लिए काम करेगा सबसे पहले बारी आती है पैसे बचाने की तो इसके ऊपर अलग अलग डालियाँ बनाकर ये देखिए कि किस तरह से आप पैसे बचाएंगे गेम्स या फिल्मों की सीडी ना खरीद कर हर महीने मूवी देखने ना जाकर और दूसरे फालतू तो खर्चों को कम करके इसके बाद ये देखिए कि आप किस तरह से इनकम बढ़ा सकते हैं इसकी भी अलग अलग डालियां निकालिए पार्ट टाइम में काम करके बॉस से सैलरी बढ़ाने की मांग करके अंत में जो आपको लगे कि आप नहीं कर सकते जैसे लॉटरी जीतना या फिर इन्वेस्टमेंट करना उसे मत कीजिए आप घर के उन सामानों को बेच सकते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते इससे भी आप कुछ पैसे इकट्ठा कर सकते हैं छठा सबक एक बार आपको ये पता लग जाए कि आपको क्या करना है आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए एक प्लान तभी काम करता है जब आप उस पर काम करते हैं और ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से ही हो रास्ते में कुछ ऐसी समस्याएं आएंगी जिसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा इससे निपटने के लिए आपको अलग अलग तरह के समाधान खोजने होंगे एग्जाम्पल के लिए आपने अपने प्लान में लिखा है कि आप अपने घर के उन सामानों को बेचेंगे जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते लेकिन क्या हो अगर आपको ऐसा व्यक्ति न मिले जो सही दाम पर खरीद सके आपने अपने प्लान में लिखा है कि आप पार्ट टाइम काम करेंगे लेकिन क्या हो अगर आपको कोई काम ही ना मिले ऐसे हालात में आपको दूसरी तरह के समाधान खोजने होंगे शायद आपको अपने कुछ दूसरे कौशल का इस्तेमाल करना होगा आप अपने पड़ोसी के बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं या फिर पार्ट टाइम में कुछ ऐसा अपने घर पर बना सकते हैं जिसे आप मार्केट में बेच सके इसके बाद आपने लिखा है की आप पैसे बचाएंगे लिस्ट बनाएंगे की आप महीने के कौन कौन से काम नहीं करेंगे उससे आप कितने पैसे बचाएंगे अगर आप हर महीने फिल्म देखने नहीं जाएंगे तो उससे आप कितने पैसे बचाएंगे बाहर खाना नहीं खाएंगे तो उससे कितने पैसे बचाएंगे और ज्यादा टीवी नहीं देखेंगे तो कितने पैसे बचाएंगे इस तरह से आप अपने प्लान पर चलकर और जरूरत पड़ने पर जरूरी कदम उठाकर अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं कुल मिलाकर किसी समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले उसकी गहराई में जाकर ये पता करने की कोशिश कीजिए कि असल में समस्या कहाँ पर है इसके बाद उस समस्या के पीछे की वजह जानने की कोशिश कीजिए तीसरे स्टेप में ये पता कीजिए कि किस तरह से आप उस समस्या से निकल सकते हैं उसकी प्लानिंग कीजिए अंत में उस बनाए गए प्लान के हिसाब से चलिए और जरूरत पड़ने पर कुछ बदलाव कीजिए इससे आप अपनी सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं क्या करें दो ऑप्शन में से एक चुनने के लिए उनके जरूरी पहलुओं पर नजर डालिए मान लीजिए आपको दो नौकरियों में से किसी एक को चुनना है अब आप हर एक नौकरी को अपने हिसाब से तोलिए लिए ये देखिए कि उन दोनों में कितने पैसे मिल रहे हैं काम कितना करना पड़ेगा ऑफिस घर से कितनी दूरी पर है भविष्य में आगे बढ़ने की संभावना क्या है अब ये पता करने की कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन सी चीज आपके लिए सबसे जरूरी है क्या आपके लिए पैसे बहुत जरूरी हैं या भविष्य में आगे बढ़ने की संभावना इस हिसाब से दोनों को तोलिए और जो पहलू सबसे ज़्यादा जरूरी है उसके आगे प्लस 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 लगाइए जो कम ज़रूरी है उसके आगे एक प्लस लगाइए और जो ज़रूरी नहीं है उसके आगे माइनस लगाइए इसके बाद अंत में देखिए कि कौन सा काम आपके लिए ठीक होगा